मेरे चैनल पे सभी दोस्तों का वेलकम है। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी हमने पीजीआर किया था उससे क्या रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने एक कुछ वीडियो उठाया था जिस बाग में हमने किया था ना पीजीआर। आप देख सकते हैं कि फ्रूट सेट कैसा है। बहुत ही अच्छा फ्रूट सेट है। पहली बार इस बगीचे में फ्रूट सेट बहुत अच्छा है। हमने जो पीजीआर का इस्तेमाल किया था इस बगीचे में वो I4G का किया था, और उसके साथ साथ हमने और एक काम किया था, हमने इसमें पॉलिनेशन भी किया था। हमने क्या किया, एक बोतल में पानी डाला था, फिर उसमें जो वैरायटी की बांचेस रहते हैं ना वही फिर उसमें डाला। आप देख सकते हो क्या अभी इस फ्रूट सेट बहुत अच्छा फ्रूट सेट है, और जो भी ग्रोथ है इसकी बहुत अच्छी है। और हमने और एक चीज इसमें देखी, जो इसके पत्ते हैं वो भी उन्होंने भी बहुत ग्रोथ की है। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब फ्रूट सेट है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसा फ्रूट सेट है हमारे बगीचे में। फ्रूट सेट बहुत अच्छा है। जो भी मेरे चैनल पे नए नए दोस्त आ रहे हैं उनसे मैं यही कहता हूँ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको पता ही है कल कुछ एरिया में, बारामुल्ला एरिया में कुछ हेल स्टॉर्म हुआ है, स्पेशली इन पटन एरिया में। उनको जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने एक एडवाइजरी निकाला है कि अब उनको क्या करना है, उनको अभी कोई भी मैनकोजिम प्लस फंजीसाइड की जो भी फंजीसाइड रहता है वो उसकी स्प्रे करनी है, क्योंकि जो भी नुकसान हुआ है हेल स्टॉर्म की वजह से वो उससे ठीक हो जाएगा। और जो अगर उसमें कुछ स्क्रैचेस भी रहते हैं एप्पल्स पे, जो छोटे छोटे अभी जो अभी इनिशियल स्टेज पे है वो भी ठीक हो जाएंगे, और उससे क्या होता है इन्फेक्शन भी रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। और उन दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि अभी पेडल फॉल के बाद किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने किसी ने बोरान का किया था, मुझे बहुत कमेंट मिले थे कि आप हम अगर स्प्रे करेंगे पहले बोरान की स्प्रे करेंगे या फंजीसाइड की स्प्रे करेंगे। उन्होंने बोरान की स्प्रे किया, अच्छा है, मगर अब अभी आज भी मौसम ठीक है, कल भी मौसम ठीक है, उनको हम ये कहना चाहते हैं वो अभी किसी भी फंजीसाइड की स्प्रे कर सकते हैं जिसमें डिफी कंजॉल हो। और एक मार्केट में और एक फंजीसाइड है जो कि जिसका पीरियड ड्यूरेशन बहुत अच्छा है, वो है मेरीवन। अगर कोई चाहता है कि स्केब या किसी अल्टरनेरिया या किसी और जो बहुत सारी बीमारी है उसे बचना चाहते हैं वो उसका भी मेरीवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस स्टेज में वो कर सकते हैं क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अभी जो फ्रूट है वो अभी दिख रहा है, अभी फ्रूट की ग्रोथ भी ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस पत्ते में थोड़ा मैंने डिफिकंजॉल की स्प्रे की थी कुछ दिन पहले, इसमें थोड़ा स्केव लगी थी मगर इस दवाई की वजह से वो जल गया है। अभी इसमें बहुत अच्छा फ्रूट सेट है। हमने ये भी चेक किया था किसी बगीचे में, हमने नहीं किया था पीजीआर, उसमें फ्रूट सेट बिल्कुल कम है, बहुत ज्यादा कम है। इस बगीचे में हमने दो बगीचों में हमने किया था तो फ्रूट सेट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मगर एक कम कर फ्रूट सेट आपने इसमें कोई हमने इसमें किया था पीजीआर, मगर हमें एक चीज का ध्यान रखना था, हमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जरूर करना होगा। जो भी इसमें कुछ कमी हो जाती है या कोई कहता है इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इसमें कोई टेंशन नहीं, बस आपको क्या कर कुछ आप इसमें बायोजेम का इस्तेमाल कर सकते हो, 1 kg डाल सकते हो, और यार मिला भी एक फर्टिलाइजर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जो भी हम पीजीआर करते हैं ये हर साल नहीं करना होता है, अगर इस साल किया तो दो साल के बाद कर सकते हैं, आप रेगुलर भी कर सकते हैं, थोड़ा उससे थोड़ा इफेक्ट भी पड़ता है। बाकी आप मेरे चैनल पे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी
Thank you.